friends so in our last class we understood certain terms which are exclusively used for goods right what were they it was purchase purchase return sales sales return opening stock and closing stock right so we did all those things वो हमने अच्छे से पढ़ा कैसे होता है क्या होता है वॉट डू वी मीन बाय गुड्स वट डू वी मीन बाय परचेज परचेज रिटर्न सेल्स सेल्स रिटर्न एंड स्टॉक राइट सो आई होप यू आर क्लियर विद डेट पर्टिकुलर पोर्शन उसे क्या बोलते हैं कैसे बोलते हैं अब उसी को ही आगे बढ़ाते हुए वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सम मोर टर्मिनोलॉजिज वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड सम मोर टर्मिनोलॉजिज टूडे सो The first thing first that I am going to start with is let's say if I am writing purchases and here I am writing sales. Yeah, purchases are there and sales are there. Purchase ho ya sale ho. इट विल ऑलवेज हैव टू टाइप्स दो तरीके से परचेज या सेल कुछ हो सकता है परचेज या सेल विल हैव वॉट टू टाइप्स देर आर टू वे आउट्स बाय विच परचेजेस एंड सेल्स कैन बी डन कौन से वेज मैम वॉट डू यू मीन बाई टाइप्स ऑफ परचेजेस सी हमने कुछ ऐसा एग्जाम्पल लिया था समझना अच्छे से अब समझना है प्रॉपर वाला वि टुक दिस एग्जाम्पल ऑफ वॉट विजय सेल्स राइट We टुक दिस एग्जाम्पल एंड द एल जी कंपनी विजय सेल्स इज बाइंग परचेजिंग 400 acs correct purchase hai vijay sales and samne vijay sales for example is paying part amount in cash and part amount in check but he is paying vijay sales is paying all the full amount of this 400 acs and i say goods i cash guy correct then such purchases are nothing but my कैश परचेज हम उसको क्या बोलेंगे कैश परचेज जिसमें गुड्स आ रहे हैं एंड कैश या बैंक में से पैसे जा रहे हैं करेक्ट दिस इज नोन एज वॉट माई कैश परचेज नाउ टॉकिंग अबाउट क्रेडिट परचेज परचेज का दूस, दूसरा टाइप दैट इज वॉट क्रेडिट परचेज क्रेडिट पर्चेस किसे बोलेंगे वॉट डू वी मीन बाई क्रेडिट परचेस आप में से काफ़ी लोगों को पता भी होगा कि क्रेडिट परचेस क्या होता है स्टिल लेट मी एक्सप्लेन कि क्रेडिट परचेस क्या है विजय सेल्स ने मान लेते हैं यही वाले एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हुए विजय सेल्स ने कुछ यहाँ पे पैसे दिए आपको दिख रहा है करेक्ट कैश या चेक दे दिया पर मान लेते हैं इन दिस केस नाउ क्रेडिट सेल्स के केस में विजय सेल्स ने उसको एल जी कंपनी को कोई भी पैसा नहीं दिया है नो पेमेंट हैज़ बिन डन बाय विजय सेल्स येट इन दिस केस गुड्स आर कमिंग इन विथ विजय सेल्स बट विजय सेल्स इज नॉट पेइंग एनी थिंग दैन दिस इज नथिंग बट वॉट क्रेडिट परचेस क्रेडिट पे परचेस करना यानी कि पैसे उधारी पे रखना यू हैवन पेड द मनी येट टू द पर्सन फ्रॉम हुम यू हैव परचेज द गुड्स राइट दैट इज नोन एज वॉट योर क्रेडिट परचेज उसे हम क्या बोलेंगे क्रेडिट परचेस बोलेंगे राइट एंड टॉकिंग अबाउट द सेल्स सेम वे सेल्स में भी क्या होगा कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स करेक्ट कना से एल जी के लिए पहले वाले केस में यहाँ वाले केस में इट वॉज कैश सेल्स एंड यहाँ वाले केस में इट वॉज क्रेडिट सेल्स इन विच वी हैव सोल्ड द गुड्स बट वी हैव रिसिव द मनी एट दैन इट इज़ माई क्रेडिट सेल्स वी हैव सोल्ड गुड्स एंड वी हैव रिसिव द मनी दैन इट इज माई कैश सेल्स एज ईजी एज इट इज राइट बहुत ही ईजी टॉपिक है परचेज और सेल्स दो तरीके से पॉसिबल है वन इज कैश परचेज अनदर वन इज़ क्रेडिट परचेज सेम वे वन इज कैश सेल्स अनदर वन इज क्रेडिट सेल्स राइट नाउ थोड़ा अब इसको आगे बढ़ाते हैं वी आर मूविंग फर्दर विद दिस पर्टिकुलर थिंग अच्छे से समझना है चीज़ों को जो मैंने ऊपर लिखा उसको मैं थोड़ा बहुत एलैबरेट करके इधर लिखूंगी वापस से i said ca cash purchase and credit purchase same way sales may cash sales and credit sales now we are going to learn certain terms here it is creditors Bills Payables and here it is Letters Bills Receivables. अब ये क्या है मैम आपने क्या सब लिख लिया कुछ पता नहीं चला कुछ पल्ले नहीं पड़ा ये सब वर्ड्स कौन से लिख लिए क्या लिख लिए वी आर गेटिंग द थिंग्स राइट चलो अब इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझे अच्छे वाले एग्जाम्पल से समझते हैं अच्छे से समझते हैं हाँ इसको यहाँ पे आई बी ड्राॅइंग सर्टेन थिंग्स फॉर यू मैं कुछ ड्रॉ करूंगी आपके लिए ताकि आपको कुछ बेटर समझ में आए राइट इट no. कुछ दो बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको करेक्ट दो बॉक्सेस दिख रहे हैं राइट हमें अब ये दो बॉक्सेस एक्चुअली मैंने क्या ड्रा करा है वो मुझे बताना पड़ेगा नॉट दैट गुड इन ड्रॉइंग्स कि आपको पता चल जाए कि ये बॉक्सेस क्या होंगे राइट सो ये जो है पहला वाला जो बॉक्स आपको दिख रहा है दिस वन इज लेट से इसको हम कुछ इग, कुछ नाम देते हैं अच्छा वाला दिस इज शाइन मोबाइल स्टोर ये क्या है

दो मोबाइल स्टोर्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ करे राइट right? अच्छे से समझना ये पूरा एग्जाम्पल हमें दिमाग में बिठा लेना है ना शाइन मोबाइल स्टोर इज इन नीड ऑफ इज इन नीड ऑफ आईफोन फोन एट शाइन मोबाइल स्टोर को क्या चाहिए आईफोन फोन एट चाहिए हाँ एंड दे डू नॉट हैव द स्टॉक्स अवेलेबल एज ऑफ नाउ उनके पास एज ऑफ नाउ कोई स्टॉक्स अवेलेबल नहीं है एंड शाइन मोबाइल स्टोर वांट्स हंड्रेड पीसेज ऑफ आई फोन एट उनको आई फोन एट के हंड्रेड पीसेस चाहिए एंड दिस इज मून मोबाइल स्टोर एंड ही इज़ हैविंग काफ़ी सारे आई फोन एट आई फोन एट उसके पास बहुत सारे पड़े हैं बहुत सारे पीसेज आर अवेलेबल फाइव हंड्रेड पीसीस तो मिनिमम उसके पास है ही आई शाइन मोबाइल स्टोर इज गोइंग टू मून मोबाइल स्टोर इन आस्किंग कि भाई आप मुझे समझना अच्छे से आईफोन एट ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज का एक मान लेते हैं उसको कॉस्ट प्राइस पर पड़ रहा है वी डोंट नो एनी थिंग अबाउट द प्राइज वी आर जस्ट अज्यूमिंग द प्राइजेस राइट सो डू नॉट आर्ग्यू ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग ऑन द कमेंट सेक्शन के मैम इसका प्राइस ये नहीं ये है I don't know about the prices that the phones are having right now. So 20,000 or 100 rupees. Uh, sorry, 100 pieces, right? 20,000 rupee or 100 pieces, he has said. So 20 lakhs rupees? Ho gay? Correct? Shine mobiles is supposed to pay to moon mobile stores. ट्वेंटी लैक्स ऑफ रुपीस शाइन मोबाइल को मून मोबाइल को अब कितने पैसे देने पड़ रहे हैं ट्वेंटी लैक्स ऑफ रुपीस देने पड़ रहे हैं राइट बट यार एक प्रॉब्लम है शाइन मोबाइल्स क्या बोल रहा है पता है यार एज ऑफ नाउ मेरे पास पैसे नहीं है आई डोंट हैव द इनफ मनी टू पे यू क्या करेंगे अब समझना अच्छे से कनाई से कि शाइन मोबाइल के लिए जो मून मोबाइल से बाय करा जो मून मोबाइल के पास से बाय करा दैट इज क्रेडिट परचेज करेक्ट क्योंकि उसने पैसे नहीं दिए हैं करेक्ट और मून मोबाइल ने जो शाइन मोबाइल को बेचा मून मोबाइल स्टोर्स ने जो शाइन मोबाइल्स को बेचा दैट इज क्रेडिट सेल्स फॉर देम करेक्ट अच्छे से समझ में आया पहले तो क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स समझ में आया जाना चाहिए उसके बाद बाकी का देखेंगे राइट शाइन मोबाइल्स ने मून मोबाइल स्टोर के पास से आईफोन एट ट्वेंटी लैक्स रुपीज़ के खरीदे दैट इज़ क्रेडिट परचेज वाई सो बिकॉज द शाइन मोबाइल कंपनी हैज़ नॉट पेड टू मून मोबाइल स्टोर येट राइट एंड मून मोबाइल स्टोर ने ट्वेंटी लैक्स का गुड्स शाइन मोबाइल स्टोर को बेचा तो मून मोबाइल के लिए क्या हो गया क्रेडिट सेल्स हो गया कंप्लीटली फाइन ऑल राइट समझना अच्छे से अब शाइन मोबाइल शाइन मोबाइल इज सपोज टू पे टू मून मोबाइल्स रुपीस ट्वेंटी लैक्स राइट शाइन मोबाइल को मून मोबाइल को पैसे देने हैं कितने बीस लाख देन मून मोबाइल्स विल बी मून मोबाइल्स विल बी क्रेडिटर्स विल बी वॉट विल बी वॉट क्रेडिटर्स फॉर शाइन मोबाइल बाय सो बिकॉज शाइन मोबाइल इज सपोज टू पे ट्वेंटी लैक्स रुपीज टू मून मोबाइल्स तो शाइन मोबाइल के लिए ये मून मोबाइल क्या हो गया उसका क्रेडिटर हो गया शाइन मोबाइल को ट्वेंटी लैक्स रुपीज़ मून मोबाइल को देने अभी बाकी है तो मून मोबाइल विल बिकम वॉट द क्रेडिटर ऑफ शाइन मोबाइल अंडरस्टूड एंड टॉकिंग अबाउट मून मोबाइल ये तो मैंने शाइन मोबाइल की ओर से बात कर ली राइट टॉकिंग अबाउट होम टॉकिंग अबाउट मून मोबाइल्स दे आर सपोज टू रिसीव ट्वेंटी लैक्स फ्रॉम शाइन मोबाइल्स करेक्ट दे आर सपोज टू रिसीव ट्वेंटी लैक्स फ्रॉम शाइन मोबाइल राइट इन दिस केस इन दिसन मोबाइल विल बिकम द डेटर वॉट द डेटर ऑफ मून मोबाइल शाइन मोबाइल मून मोबाइल के लिए क्या बन जाएंगे डेटर्स बन जाएंगे वाई सो बिकॉज शाइन मोबाइल इज़ सपोज टू पे रुपीज ट्वेंटी लैक्स टू मून मोबाइल्स टू मून मोबाइल्स अपने बुक्स में लिखेगा कि ये बंदे के पास से मुझे पैसे लेने बाकी है ट्वेंटी लैक्स रुपीज द पर्सन फ्राम हुम आई एम सपोज टू टेक द मनी येट इज़ माई डेट और एंड द पर्सन टू हुम आई एम सपोज टू पे द मनी यट इज माई क्रेडिटोर आई एम रिपीटिंग इट अगेन द पर्सन टू हुम आई एम सपोज टू पे द मनी यट इज माई क्रेडिटर द पर्सन फ्रॉम होम आई एम सपोज टू रिसीव द मनी एट इज माई डेटर अंडरस्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिटर एंड डेटर क्लियर करेक्ट यहाँ पर मैंने अच्छा सा ड्राॅइंग करा है ताकि आपको पता चले अब ये पूरी चीज़ हुई ये पूरी घटना जो बनी है यहाँ पे अपने पास एग्जाम्पल में अब क्या हुआ पता है मून मोबाइल को है ना शाइन मोबाइल पर उतना कुछ भरोसा नहीं है कि ये मुझे पैसे देगा ही ही इज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि ये यार कुछ लोचे हो गए तो क्या करेंगे मून मोबाइल थोड़ा डरता है कि भाई लोचे हो गए तो क्या इन दैट केस मून मोबाइल ने क्या करा पता है देखना अच्छे से यहाँ पे कुछ एरो जाता हुआ दिखेगा आपको अब करेक्ट मून मोबाइल्स ने क्या करा पता है मून मोबाइल्स है ना एक डॉक्यूमेंट तैयार करा लेट मी मेक द डॉक्यूमेंट ऑल्सो इन अ प्रॉपर वाला बॉक्स ताकि आप लोग मेरे साथ साथ अगर लिख रहे हो तो अच्छे से लिख पाओ एक डॉक्यूमेंट रेडी करा। जिसमें मून मोबाइल ने क्या लिखा पता है समझना अच्छे से आई प्रोमिस टू पे आई प्रोमिस टू पे लिख लिया मून मोबाइल ने मून मोबाइल्स ने क्या लिखा आई प्रोमिस टू पे रुपीज़ ट्वेंटी लैक्स टू मून मोबाइल्स ऑन फर्स्ट जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी ऐसा मून मोबाइल्स ने लिखा ऐसा कुछ बिल जैसा बनाया उसने जिसमें उसने ऐसा लिखा था आई ही प्रोमिस टू पे थिंग्स ऑन सो एंड सो डेट और यहाँ पे कॉलम के अंदर एक अगेन कॉलम आया एक बॉक्स आया जिसके अंदर उसने लिखा था साइन करो भाई अंडरस्टूड समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत और मोबाइल है ना एकदम होशियार निकला है वैसे तो उसने क्या करा पता है ये जो डॉक्यूमेंट बना है ना ये डॉक्यूमेंट लेके वो कहाँ चला गया शाइन मोबाइल के पास चला गया ये डॉक्यूमेंट लेके वो कहाँ चला गया शाइन मोबाइल्स के पास चला गया और उसने जाके उसको बोला कि भाई तू मुझे पे करेगा मुझे पक्का पता है तू बस है ना यहाँ पे अपनी साइन करके मेरे को दे दे शाइन मोबाइल्स को उसने क्या बोला तू ले ले मोबाइल्स ले ले मेरे पास से कोई प्रॉब्लम नहीं तू पैसे मत दे मेरे को कोई इशू नहीं है पर तू है ना ये वाला जो मैंने डॉक्यूमेंट तैयार करा है ना उसके ऊपर मेरे को साइन करके दे दे अब शाइन मोबाइल्स ने क्या करा ही इज जेन्यून वो तो बहुत सही से बेचारा अच्छे से फेथ में ही जा रहा था उसने बोला फाइन नो प्रॉब्लम चलो लाओ मैं साइन करके दे देता हूँ करेक्ट तो शाइन मोबाइल्स ने यहां पे सिग्नेचर्स करके उसको दे दिए समझना अब अच्छे से सिग्नेचर्स आर डन ये जो बिल बना है ये जो डॉक्यूमेंट बना है वो डॉक्यूमेंट फर्स्ट ऑफ जुलाई को जब मून मोबाइल्स शाइन मोबाइल्स को दिखाएगा करेक्ट तो शाइन मोबाइल उसको क्या करेगा पैसे देगा जेन्यून सारे केसेस अभी हम समझ रहे हैं कुछ डिफॉल्ट नहीं हो रहा है एस ऑफ नाउ राइट सो डोंट थिंक लाइक मैम अगर पैसे ना दे तो, तो हम पढ़ेंगे ना उसका क्या होता है विल अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो यहाँ पे शाइन मोबाइल्स ने क्या करा फॉर सॉरी मून मोबाइल्स ने क्या करा फर्स्ट ऑफ जुलाई को डॉक्यूमेंट लेके पहुँच गया शाइन मोबाइल्स के पास भाई पैसे फर्स्ट जुलाई पैसे दे दें एंड शाइन मोबाइल्स वॉज अ जेन्यून पर्सन उसने बोला हाँ हाँ मैंने चेक रेडी रखा है थे ले जा आज का ही चेक है करेक्ट क्या इसी ये जो डॉक्यूमेंट बना है दिस डॉक्यूमेंट दिस डॉक्यूमेंट विल बी ट्रीटेड एज बिल्स रिसीवेबल जस्ट मिनट बिल्स रिसीवेबल फॉर मून मोबाइल्स बाय सो बिकॉज इस डॉक्यूमेंट पे इस बिल्स पे मून मोबाइल्स को कल जाके पैसे मिलने वाले हैं रिसीवेबल मिलने वाला है राइट कल जाके ऑन द बेसिस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट मून मोबाइल्स इज गोइंग टू गेट वॉट द पैसा फ्रॉम शाइन मोबाइल्स राइट एंड दिस डॉक्यूमेंट इज नोन एज बिल्स पे फॉर Right? So, यही डॉक्यूमेंट पे शाइन मोबाइल इज गोइंग टू पे ट्वेंटी लैक्स रुपीज टू मून मोबाइल्स तो शाइन मोबाइल के लिए दिस इज वॉट पेबल अमाउंट ही इज सपोज टू पे ट्वेंटी लैक्स रुपीज टू मून मोबाइल्स करेक्ट दैन दिस डॉक्यूमेंट इज बिल्स रिसिवेबल्स फॉर मून मोबाइल्स एंड बिल्ड पेएबल फॉर शाइन मोबाइल्स आई होप दिस पर्टिकुलर थिंग इज क्लियर विथ यू राइट ये एक एग्जाम्पल बहुत ही बढ़िया है और इसको मैंने जिस तरीके से यहाँ पर लिखा है ना आई रिक्वेस्ट यू ऑल क्या आप वीडियो पॉज करके भी इसको सेम वे में मैं मेरे यहाँ पे दो पेजेस बन रहे हैं बट यू ट्राई टू फिनिश दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल इन वन पेज ओनली एक पेज पे आप प्रॉपरली लिख लो इस एग्जाम्पल को क्योंकि ये एग्जाम्पल में आई हैव कवर द क्रेडिट पर्चेज द क्रेडिट सेल्स द डेटर द क्रेडिटर द बिल्स रिसिवेबल्स द बिल्स पेएबल्स तो सारी चीज़ें कवर हो रही है एक ही एग्जाम्पल में प्लीज़ राइट इट डाउन प्रॉपरली कुछ इधर का इधर नहीं होना चाहिए राइट प्लीज़ राइट इट डाउन आई एम गिविंग यू द टाइम ऑल्सो एंड अगर टाइम कम पड़ रहा है देन यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट सो इन टूडेज क्लास हमने क्या क्या पढ़ा क्या क्या समझा क्या क्या देखा एक तो हमें छः टर्म्स पता थी गुड्स से रिलेटेड राइट परचेस परचेस रिटर्न सेल्स सेल्स रिटर्न क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक राइट एंड गुड्स सात चीज़ें हमने पढ़ी थी आज क्या पढ़ा कैश परचेस क्रेडिट परचेस कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स क्रेडिटर्स डेटर्स बिल्स रिसिवेबल बिल्स पेएबल सो so आज हमने कुछ आठ टर्म्स पढ़े एट टर्म्स विद डेट राइट एंड वी ऑलरेडी नो द सेवन टर्म्स तो हमने कुछ पंद्रह टर्म्स पंद्रह टर्मिनोलॉजीज आज के आ, सेशन में आई कैन से कि आज के दिन पे ये एंड हो रहा है सेशन तो हमें कुछ फिफ्टीन टर्मिनोलॉजीज अब अच्छे से आती है एंड ये चीज़ जो मैंने अब यहाँ पे लिखी थी वो अब इसका मीनिंग आपको क्लियर हो रहा है कि मैं परचेज करूँगी कैश परचेस है देन इट इज़ फाइन पैसे आ रहे हैं गुड्स जा रहे हैं क्रेडिट पोर्चेस है तो सामने क्या जनरेट होगा मेरा क्रेडिट और बिकॉज आई एम सपोज टू पे द मनी टू हेम एंड जो बिल वो रेस करके देगा वो मेरे लिए क्या हो जाएगा बिल्स पेएबल बिकॉज आई एम सपोज टू पे मनी टू हेम करेक्ट टॉकिंग अबाउट द सेल्स कैश सेल्स है तो फाइन गुड्स गए पैसे आए पर क्रेडिट सेल्स है तो सामने वाला बंदा मेरे लिए क्या हो जाएगा मेरा डेट और वाइस बिकॉज ही इज गोइंग टू पे मी द मनी इन फ्यूचर बिल्स जो भी मैं जनरेट करके उसके पास से साइन लेके आ जाऊंगी तो वो बिल मेरे लिए क्या हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल बिकॉज आई एम गोइंग टू गेट द मनी फ्रॉम दैट बिल राइट सो दिस फ्लो चार्ट इज नाउ क्लियर विथ ऑल ऑफ़ यू सो वी आर कीपिंग द सेशन टिल नाउ हमने इस सेशन में जो जो चीज़ें सीखी वो सारी चीज़ों को आप रिवाइज करोगे कहाँ से आपके नोट्स में से Your notes, you can revise the things on your page number 1.4. There are debtors, creditors, bills receivable, bills payable. So, you can just read it once as a part of your homework and you just go through the words which we have now right. I hope you are clear with the same. Thank you.